पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध बनाना गलत नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। दोस्तों, एक बार अंतरिक्ष के मार्ग से देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए यमलोक पहुंच जाते हैं। वहां यमराज विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं। फिर देव ऋषि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देव ऋषि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देव ऋषि, आप बड़े ही दिनों बाद यमपुरी पधारे हैं। जरूर ही कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन होगा। कृपया हमें बताने का कष्ट करें कि आप किस प्रयोजन से यमपुरी पधारे हैं। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे धर्मराज, आप धर्म और मृत्यु के न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों में हर प्राणी को उनके कर्म के अनुसार दंड देना आपका कार्य है। आपके पास चराचर जीवों का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्य को आप नरक में डालते हैं और पुण्यवान मनुष्य को आप स्वर्ग भेजते हैं। इसीलिए आपको सभी मनुष्यों के पाप और पुण्य के कर्मों का ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न को लेकर आया हूँ। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तभी यमराज कहते हैं, देव ऋषि, आप सत्य कहते हैं कि हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य के कर्मों से उन्हें दंड देते हैं। हे देव ऋषि, आपके मन में जो भी प्रश्न या शंका है, आप निसंकोच पूछिए। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार उन प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तब नारद जी कहते हैं, यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को एक ही स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहिए। पर मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्य को नरक में नहीं डालना चाहिए? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रख सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान करें। तभी यमराज जी कहने लगते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आपने मनुष्य जाति के उत्थान के लिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। संसार में एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुने। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 अपराध क्षमा करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, यमराज, आप कथा को शुरू कीजिए, मैं उसे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। तभी यमराज नारद को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर राज्य था। उस नगरी के एक बहुत ही बलवान, गुणवान और सुंदर राजा थे। उनका नाम धर्मपाल महाराज था। धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से हमेशा संतुष्ट रहा करती थी। राजा अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे। राजा की एक सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत ही सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पवित्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु इंसान थे। वे सभी प्रकार के यज्ञ, दान तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके राज्य में सब कुछ था, परंतु एक वजह से महारानी, महाराज और उनकी सभी प्रजा दुखी रहा करती थी। महाराज को कोई भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह चिंता में और दुखी रहा करते थे। प्रजा से भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने भी प्रयासों से महाराज को कोई भी संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेकों वैदिक बुलाए, अनेकों पुत्र प्राप्ति के उपाय करवाए, दान धर्म किया, व्रत किया, परंतु उन्हें किसी भी उपाय से कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, आप पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपने प्रजा की बात से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वह अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। शास्त्रों का ज्ञान रखते थे कि एक पुरुष को एक ही पत्नी के साथ निष्ठावान रहना चाहिए।
एक पत्नी के होते हुए कभी भी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार एक मादा पशु के साथ दो नर पशु नहीं रह सकते, उसी तरह एक पुरुष के साथ दो स्त्रियां कभी सुखी नहीं रह सकती। जो पुरुष अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखता है, वह घोर पाप का अधिकारी होता है और नरक में जाता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजाजन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वह महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी सुकन्या प्रजा के दुख समझती हैं और महाराज के पास आकर कहने लगती हैं कि हे स्वामी, आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए, हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज रानी को भी मना करते हैं और कहते हैं, हे रानी, अगर मैं दूसरा विवाह कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, और फिर तुम बताओ कि तुम क्या मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी। तब रानी कहती हैं, हे स्वामी, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं सौतन को अपनी बहन मानकर उसे प्यार दूंगी, कृपया आप संकोच ना करें, मुझे इससे कोई दुख नहीं होगा, मैं तुम्हें विवाह की अनुमति देती हूँ। फिर राजा कहते हैं, हे रानी, मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो पाप पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री से संबंध बनाने से मिलता है, जिसकी कोई मुक्ति नहीं है, ऐसा मैं घोर पाप नहीं कर सकता। उधर स्वर्गलोक में महाराज के सभी पूर्वज देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। अगर महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा, इसी वजह से सभी पूर्वज दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हैं? आप सभी की आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय होगा वह मैं अवश्य करूँगा। तभी पूर्वज कहने लगते हैं कि हे पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है और वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह कर लो, पुत्र के बिना मनुष्य को सदगति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी पर दान धर्म करता है तब हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम जल्द ही पुत्र प्राप्ति का उपाय करो। अपने पूर्वजों की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए, हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा, कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं, महात्माओं, मैं अवश्य तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कहकर यमराज पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराज के पास पहुंच जाते हैं। साधु को देखकर महाराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि हे महात्मा, आप कौन हैं और आप किस प्रयोजन से हमारे राज्य पधारे हैं? आपके मुखमंडल का तेज देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु कहते हैं, हे वत्स, मैं साक्षात यमराज हूँ और तुम्हारे पूर्वजों की प्रार्थना करने पर मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। वह साधु महाराज से कहते हैं, हे वत्स, तुमने अपने पूर्वजों को रुष्ट कर दिया है, जिससे तुम्हारा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा, पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मुक्ति के लिए पुत्र को अवश्य जन्म देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूँ, मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इससे अच्छा है कि मैं पुत्र विहीन जीवन गुजारूं।
फिर यमराज कहते हैं, पुत्र मैं तुम्हारे न्यायप्रिय आचरण से और तुम्हारी पत्नी के प्रति निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, किंतु हे धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी मनुष्य की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति देती है तो वह मनुष्य दूसरा विवाह कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि अगर एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उनकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने के लिए अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात धर्मराज के मुख से यह वचन सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उनसे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं तो महारानी उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती हैं। फिर महाराज दूसरा विवाह कर लेते हैं जिससे उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और उधर स्वर्ग में सभी पूर्वज आनंदित हो जाते हैं और यमराज को बार बार धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार धर्मराज ने नारद जी को पुरुष और स्त्री के विवाह और आचरण से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान दिया।